कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लौटे अपने घर, करीब दो महीने की छुट्टी के बाद वापसी। कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी पहले से राहुल गांधी के घर, प्रियंका गांधी भी मौजूद। टोरंटो के रिको कॉलेजियम में दोहराया गया न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर का इतिहास, पीएम मोदी को सुनने उमड़ी भीड़, मोदी मोदी के लगे नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में बसे भारतीयों की तारीफ की, कहा कनाडा में भारत की पहचान देशवासियों ने बनाई। और कनाडा में भारत की पहचान नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई है, कनाडा में भारत की पहचान आप सब मेरे देशवासियों ने बनाई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा पहले भारत की पहचान स्कैम इंडिया की थी, अब हम स्किल डेवलपमेंट से पहचान बनाना चाहते हैं। स्कैम इंडिया हम बनाना चाहते हैं, स्किल इंडिया। टोरंटो के रिको कॉलेजियम में गूंजा मोदी मोदी का नारा, पीएम मोदी के मंच पर आते ही लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मोदी के भाषण से पहले रिको कॉलेजियम में रंगारंग कार्यक्रम, गायक सुखविंदर समेत कई कलाकारों ने बांधा समा। टोरंटो पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। एयरपोर्ट पर मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग, मोदी ने भीड़ में जाकर लोगों से मिलाया हाथ। टोरंटो एयरपोर्ट पर मोदी के इंतजार में भारतीयों की लगी थी लंबी लाइन, मोदी ने भीड़ के बीच जाकर कई लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। मसरत आलम के पाकिस्तान समर्थक नारों को लेकर गृह मंत्रालय नाराज, राजनाथ सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से की बात, कड़ी कार्रवाई की मांग। मसरत आलम को लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कानून के मुताबिक शुरू होगी कार्रवाई। श्रीनगर में गिलानी की रैली में लहराए गए पाकिस्तानी झंडे, गिलानी समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। अलगाववादी नेता मसरत आलम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, कहा हमारे खिलाफ पहले भी कई FIR, एक और FIR सही, गिरफ्तारी का डर नहीं। आपकी गिरफ्तारी भी हो, गिरफ्तारियों से हम आरोप नहीं होते हैं ना हम उनसे परेशान होते हैं, गिरफ्तारियां होती रहती हैं, इसमें कौन सी नई बात है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा हम मसरत के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं। कि जल्द से जल्द जो राज्य सरकार है वो मसरत आलम के खिलाफ कानून के अंतर्गत कार्यवाही करेगी। पाकिस्तान में शुरू हुए मुंबई हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, 5 गवाहों को समन, 22 अप्रैल को पेशी। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को मिला धमकी भरा मेल, मुंबई पुलिस ने की पुष्टि। मुंबई पुलिस ने साइबर सेल को सौंपा मामला, मेल भेजने वाली आईडी IS से जुड़ी। मोदी को चुनौती देने के लिए 6 दलों ने मिलकर बनाया जनता परिवार, मुलायम सिंह यादव होंगे नई पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के नाम, झंडे और चुनाव चिन्ह के लिए बनी कमेटी। आज एक ऐसे समय और ये वास्तव में ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि वर्तमान देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं
और चुनौतियों को वर्तमान सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया। जनता परिवार के विलय के बाद बोले लालू यादव ने ठोकी ताल, कहा हम सब मिलकर मोदी का सफाया करेंगे। सब इनका जो हवाबाजी है इन लोगों का, भाजपा का, इनका हवा निकाल देंगे ट्यूब में से, खत्म हो जाएगा। बिहार में नीतीश के नेतृत्व को लेकर पूछे सवाल को टाल गए लालू, पूछने पर बोले बिहार में और भी कई काबिल नेता। आम आदमी पार्टी से प्रशांत और योगेंद्र यादव समेत चार बागी नेताओं की हो सकती है छुट्टी, पीएसी ने अनुशासन समिति को सौंपा मामला। सूत्रों के मुताबिक अनुशासन समिति जल्द ही भेज सकती है कारण बताओ नोटिस। कमेटी के तीन सदस्यों में शामिल हैं दिनेश वाघेला, पंकज गुप्ता और आशीष खेतान। योगेंद्र यादव ने कहा अगर वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले संविधान को पढ़ें। जो फैसला करना चाहे कर ले, उम्मीद है कि फैसला करने से पहले पार्टी का संविधान एक बार पढ़ ले। जयपुर के अस्पताल में हंगामा, मरीज के परिवार वालों का आरोप दाखिला नहीं होने की वजह रेलवे स्टेशन डिलीवरी, नवजात की मौत। रोहतक में फिर बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली जिले के कई गांवों में तेज आंधी के साथ बारिश, खुले आसमान में अनाज मंडियों में रखा गेहूं बारिश में गीला। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पलटा सीमेंट मिक्सर ट्रक, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को किसी तरह की चोट नहीं। दिल्ली के अलीपुर में दुकान में लूटपाट, विरोध करने पर मारी गोली, मौके से फरार। दिल्ली के बुराड़ी में घर के अंदर रहस्यमय धमाका, एक कमरे की फर्श फटी, गैस रिसाव का शक। कानपुर में 50 रुपए के लिए कत्ल के मामले में 14 साल बाद सजा, 9 आरोपियों को उम्र कैद।